हेलो दोस्तों, मैं सुजीत। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने वेबसाइट में पेज को कैसे ऐड करें। सो सिंपली आपको अपने पेज को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें डैशबोर्ड में जाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे डैशबोर्ड में आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पेजेस दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑल पेजेस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारा पेजेस है। हम पेजेस के यूज सिंपली आप क्या कहते हैं, जैसे अबाउट अस पेज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन पेज हो गया, इस चीज को दिखाने के लिए करते हैं। सबसे पहले जो सिंपल पेज है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया बट ये हमेशा के लिए डिलीट नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे हमेशा के लिए डिलीट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी है ही, तो यहाँ आप इसे डिलीट परमानेंटली कर दीजिए तो ये हमेशा के लिए आपका डिलीट हो जाएगा। ये देखिए अब यहाँ से आपका हट चुका है। तो उसके बाद अगर आपको एक नया पेज क्रिएट करना है तो आप यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ अपना जो भी पेज है पेज का टाइटल डाल दीजिए, जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सॉफ्टवेयर। उसके बाद यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन है, प्रीव्यू पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ है प्रीव्यू इन न्यू टैब। ये हमें दिखाएगा कि हमारा पेज, देखिए हमारा पेज बिल्कुल सिंपल सा भी बना हुआ है। सो मैं अब एक बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज लगाऊंगा। सो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए आप यहाँ फीचर्स इमेज में जाइए, उसके बाद सेट फीचर्स इमेज कीजिए। उसके बाद आप यहां से कोई भी इमेज लगा सकते हैं, जैसे कि मैं ए सी टी का इमेज लगा देता हूं, हो गया। अब आप जाकर फिर प्रीव्यू में देखिए आपका चेंज हुआ है या नहीं। ये देखिए हो चुका है बट हमारा कंटेंट कुछ भी नहीं है। सो मैं अब यहां पे कुछ कंटेंट्स डालकर आपको दिखाता हूं कि वो कैसा लगता है। जैसे सबसे पहले मैं गेम्स डाल देता हूँ, गेम्स हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लोगो डाल ले लेता हूँ। आपका जो भी लोगो आप उसे अपलोड कर लीजिए। इसे अगर आपको राउंडेड लेना है तो आप राउंडेड भी ले सकते हैं बट वो उतना अच्छा लग नहीं रहा है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद फिर आप यहां से प्रीव्यू में जाइए, न्यू टैब में इसे ओपन कीजिए। देखिए ये आ चुका है, ये दोनों हमारा सेंटर में है। तो सबसे पहले आप यहां से आइए, ये आपका दिख रहा है चेंज अलाइनमेंट, यहां पे क्लिक कीजिए। उसके बाद इसे सेंटर पे रखना है तो आप सेंटर पे क्लिक कर दीजिए। जैसे यहाँ पर भी हमें सेम चीज करना होगा, यहाँ पे चेंज टेक्स्ट अलाइनमेंट पे क्लिक करना होगा, फिर इसे हमें अलाइन टेक्स्ट सेंटर में लाना होगा। ये आ गया, अगर आप इसे बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर दीजिए। फिर यहाँ से आप प्रीव्यू पे क्लिक करके देखिए ये आपका हुआ है या नहीं। ये देखिए हमारा ये सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसे पब्लिश कर देता हूँ। ये हमारा पेज पब्लिश हो चुका है बट अगर आप इसे चाहते हैं कि ये आपका प्राइमरी मेन्यू में शो करे, सबसे पहले आप डैशबोर्ड में चले जाइए। उसके बाद आप यहाँ अपीयरेंस में जाइए, यहाँ पे आपका मेन्यू शो कर रहा है, मेन्यू पे क्लिक कीजिए। उसके बाद हमें यहाँ सॉफ्टवेयर को अपने प्राइमरी मेन्यू में ऐड करना है तो सबसे पहले आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ ऐड टू मेन्यू, यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये हमारा प्राइमरी मेन्यू में शो करने लगा। उसके बाद आप यहाँ सिंपली सेव मेन्यू पे क्लिक कीजिए, सेव हो चुका है। अब हम जाकर अपने वेबसाइट में देखेंगे कि हमारा प्राइमरी मेन्यू में सॉफ्टवेयर शो कर रहा है या नहीं। सो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने लोगो पे क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ चुका है, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए ये आ चुका है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।